हेलो दोस्तों, नमस्कार। हम ऑप्टिशियन चैनल में स्वागत है आप सभी का। आप देख पा रहे होंगे रिमलेस फ्रेम है ये। दूसरा देखिए, ये ब्रेकबल है, ब्रेक हो चुका है ऑलरेडी। अनब्रेकबल ग्लास है ये, पॉली रीडिंग का है ओनली। तो हम इसको थोड़ा सा खाली कर लेते हैं, फ्रेम चेंज करने जा रहे हैं दोस्तों। तो आप लोग भी देखते रहें पूरे वीडियो में, पूरा वीडियो देखिए फ्रेम चेंज कैसे करते हैं पॉली लेंस के, पॉली लेंस को रिमलेस। तो वीडियो चलने से पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए हम किस तरह से इसको पंचिंग निकाल रहे हैं, बहुत ही आसानी से निकालना है ताकि जो है स्क्रैचेज ना पड़े। मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरे साथी, मेरे मित्र, मेरे सपोर्टर, आप सभी का स्वागत, अभिनंदन वंदन ओम ऑप्टिशियन परिवार करता है। आप शेयर ज़रूर कर दें, प्लीज़ शेयर करें। जो दोस्त सब्सक्राइब ना किए हों ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। ये देखिए हमने बहुत ही आसानी से इसको पंचिंग को निकाल लिया। अब हमारा ग्लास फ्री हो चुका है। एक ग्लास में उसका टूटा हुआ कण जो है अभी लगा हुआ है, जो पंच होता है उसको हम निकाल देंगे। अभी देखते रहिएगा, ये फ्री है। ड्रिल मशीन आप सामने देख रहे हैं रखी हुई है, जिसका हमें इस्तेमाल वैसे नहीं करना है, इसलिए ऑलरेडी ड्रिल ये है। कभी कभी इस्तेमाल करना पड़ जाता है। कब करना पड़ता है? जब उसमें पंचिंग, जो पंच होता है, क्या बोलते हैं उसको, पंच जो होता है उसमें फंसा रहता है, तो ड्रिल करना ज़रूरी होता है। लेकिन ऐसा है नहीं, तो हमने ये जो फंसा हुआ था उसको हमने देखिए प्लास से खींच दिया, निकल गया। तो अब हम पहले फ्री कर लेंगे लेंस को प्रॉपर तरीके से, उसके बाद हमारा आता है पंच, कैसे हम पंच करते हैं। उस पंच करने से पहले भी जो है हम जो डमी लगी हुई है फ्रेम में उसको भी निकालेंगे। अभी देखते रहिएगा, अभी हम इसको नीट एंड क्लीन कर रहे हैं। जब ये हमारा फ्री हो जाएगा दोनों लेंस, पुराने फ्रेम को हम हटा देते हैं, डस्टबिन डाल देते हैं। ये देखिए नोच ब्रिज हमने निकाल लिया। तो अब हमारा लेंस ये फ्री हो चुका है। एक लेंस नीचे रखा हुआ देख पा रहे होंगे, ये क्या है फ्री। तो हमें ड्रिल की आवश्यकता नहीं है। मैंने सोचा ड्रिल की आवश्यकता पड़ेगी, लेकिन है नहीं, इसलिए कि ऑलरेडी इसमें जो है ड्रिल किया हुआ है। तो अब इस ड्रिल मशीन की आवश्यकता हमें है नहीं, ज़रूरत होती तो हम ड्रिल कर लेते। अब हम पंच करेंगे। पंच करने से पहले सबसे पहले उस फ्रेम की डमी को भी हमें निकाल लेना है। तो ये आप देख पा रहे होंगे बिल्कुल क्लियर कि ये हमने फ्री रख लिया, फ्री करके साइड में कर लिया अपना जो पावर का लेंस है। अब हम आते हैं इस फ्रेम पे। तो फ्रेम पे आते हैं तो उससे पहले कि हम फिट करने से पहले हम अपनी डमी को जो है निकालेंगे प्रॉपर वे में। तो पहले बैक साइड से हम कट कर देते हैं जो पंच हुआ है। तो लॉक को हम हटाते हैं, जब उसके बाद पकड़ के जो है पकड़ से बहुत ही आसानी से सावधानी से, ताकि फ्रेम जो है स्क्रैच ना पड़े। ये देखिए आसानी से निकल गया, बहुत सावधानी से। अगर बैक साइड से आप पंच को जो लॉक है उसको काट देंगे तो आसानी से आप निकाल सकते हैं मेरे साथी। देखिए बहुत सावधानी से पकड़ना, नहीं तो नया फ्रेम में स्क्रैच लग जाएगा, तो फिर बवाल हो जाएगा। अब बवाल हुआ तो सामने वाली पार्टी फिर आपको छोड़ेगी नहीं। तो देखो आसानी से निकाल लिया। फिर हम आपको नोज ब्रिज वो सेम वही प्रक्रिया, उसको काट देते हैं लॉक को। फिर हम ऐसे आसानी से इसको निकालते हुए आपकी फ्रेम डमी को, ये देखिए निकल गया, आखिरी बचा हुआ है जिसको हम कट कर दिए हैं लॉक को। अब इसको भी हम आसानी से पंच से आराम से पुश करके निकाल लेंगे। तो इसके बाद भी जो हमारे फ्रेम में लगा हुआ है उस, अभी देखिएगा, अभी हमारे फ्रेम में लगा हुआ मिलेगा आपको। देखिए ये, इसको ब्लेड से काट के निकाल सकते हैं पंच को। पंच उसमें ऑलरेडी जो है, इसलिए लाकर में बैक साइड से काट दिया तो उसमें जो हिस्सा पड़ा हुआ था वो अभी टच में है, तो उसको हम निकाल रहे हैं। देखिए प्लास से इसको ब्लेड से भी निकाल सकते हैं, तो नुकीला है प्लास, तो इससे हम निकालेंगे। तो ऐसे इसी तरह से हम 1 2 3 4 5 सारे जितने लाकर हैं उसके निकाल देंगे हम पंच को। देखिए पहले फ्री कर लेते हैं फ्रेम को, जैसे जिस तरह से हमने सबसे पहले लेंस को फ्री किया बहुत ही सावधानी से ताकि स्क्रैचेज ना पड़े, उसी तरह से हम अपनी डमी को फ्री कर लिए। तो डमी वाले फ्रेम को हमने फ्री कर लिया। तो ये आपने देखा, इसको भी हमने ऐसे इसी तरह से सेम प्रोसेस में निकाला। देखिए आसानी से निकल जा रहा है, तो ब्लेड से भी निकाल सकते हैं। हमने नोज ब्रिज को फ्री कर लिया, फ्रेम को भी फ्री कर लेंगे। इसमें भी पंच जो है ऑलरेडी अटैच्ड है, तो इसको हम फ्री कर लेंगे।
तो लॉकर की जो खोटी होती है वही में पंचे फंसा हुआ है, ताकि हम लॉक को बैक साइड से काट दिए थे। ये देखिए आप देख पा रहे होंगे, बिल्कुल ही एकदम फ्री हमने कर लिया। एक और बचा हुआ है लास्ट, आप देखिए इसको भी काट के निकाल। जब तक इसको नहीं काटेंगे तब तक हम पंच नई पंच को पंच नहीं कर पाएंगे, इसलिए कि वो भी फाइबर का होता है, ये भी फाइबर का होता है, तो दोनों लगे रहेंगे तो हम पंच इसको कर ही नहीं सकते। तो अब हम निकाल लिए हैं, देखिए एकदम से प्रॉपर तरीके से हमने फ्रेम को अलग कर दिया, डमी को हटा दिया। दूसरा हम ग्लास को फ्री कर लिए हैं, जिस पावर को हमें फिट करना है। पॉली ग्लास है, टूटा नहीं, आप देख पा रहे होंगे स्क्रैच बहुत ही बचा के हमने किया। तो अब हम पंच देख रहे हैं, रिमलेस पंच जिसको बोलते हैं, जिससे पंच कर सकते हैं, जिससे जाम कर सकते हैं, ये कह सकते हैं जिस पे टिका हुआ होता है। तो हमने अंदर से होल पे अंदर से पुश किया, इसको ब्लेड से काट सकते हैं, प्लास से नुकीले प्लास से काट सकते हैं। तो हम इसको ब्लेड से काटेंगे, बिल्कुल इसकी साइज उस लेंस के बराबर होनी चाहिए जिस लेंस में हमने फिट किया। बहुत ही सावधानी से, इससे भी स्क्रैच पड़ने के चांसेज हैं। तो इसको हम कट कर लेंगे, कट कर देखिए कट हो गया। अब हम इसके मुख को थोड़ा सा फैलाएंगे ना, कुछ इस तरह से रहना चाहिए हमारे पास प्लास, कि इसके मुख को फैला देंगे ताकि इसमें पंच करने में हमें आसानी मिल जाए। नहीं तो क्या होता है, इधर से दबाते हैं उधर निकल जाता है। तो थोड़ा सा अगर फैला देंगे आप इसके मुख को, माउथ को ओपन कर देंगे, तो आसानी से ये नोज ब्रिज का जो पंच है आराम से उसमें पंच हो जाएगा। देखिए उसको राइट और लेफ्ट, ऊपर नीचे अप डाउन देख लीजिएगा, नहीं तो फिर बार बार निकालना पड़ेगा। ये देखिए हमने सेट किया, अब इसके बाद हम पंचिंग प्लास से इसको दबा देते हैं, प्रॉपर तरीके से दबाएंगे। डर नहीं है, अनब्रेकेबल है, 1.59 इंडेक्स है, ब्लू कट लेंस है, रीडिंग पावर है 1.59 होने से चिंता नहीं है टूटने की, आराम से दबा दीजिए प्रॉपर तरीके से। उसी तरह से सेम रिमलेस पंच को लेंगे, अंदर डालेंगे, बैक साइड से आउट साइड से ऊपर निकालेंगे। निकालने के बाद हम जो है इसको भी उसी वे में काटेंगे, उसी सीक्वेंस में काटेंगे। देखिए थोड़ा सा भी होता ना, अगर ड्रिल जैसे नहीं किया जाता है दोबारा से, कुछ होते हैं जिसमें रेसे बने रहते हैं, देखिए लग गया आसानी से, लेकिन अगर लग गया थोड़ा मुश्किल से तो बहुत अच्छा रहेगा, इसलिए कि हिलेगा डुलेगा नहीं। अब देखिए उसी वे में काटते हैं ब्लेड से हम। काटने के बाद अब हम सेम वही प्रक्रिया, थोड़ा सा माउथ को ओपन कर लेते हैं। माउथ को ओपन करने के बाद अब हम जो करने जा रहे हैं, देखिए ये पंच प्लास उठाइए। पंच प्लास उठाने के बाद इसी तरह से आप भी दबा दीजिएगा, अगर 1.59 इंडेक्स पॉली लेंस है तो, नहीं तो थोड़ा सा बचाव करना पड़ता है कि लेंस टूट ना जाए, यहीं से ब्रेक होने के चांसेज होते हैं जो ब्रेकेबल लेंस होते हैं। ये तो अनब्रेकेबल है, इसमें चिंता की कोई बात नहीं। ये हमने देखिए प्रॉपर तरीके से पंच कर दिया इसको, अब हमारा नोज ब्रिज तैयार हो गया है। अब ये कह सकते हैं कि हाफ चश्मा बनने की कगार पे। देखिए माउथ थोड़ा कम फैला था, बैक साइड मार दे रहा है, इसको फिर से हमने हल्का सा फैला के फिर जो है लगा दिया। अब इसको प्रॉपर वे में दबा देंगे, बिल्कुल एकदम फिट हो जाएगा, अपनी जगह हो जाएगा, अब इसमें हमें कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। दोस्तों आप लोग देख पा रहे होंगे, कुछ भी कमेंट करना हो, कोई भी समस्या हो, कोई भी सजेशन हो, ऐसा नहीं कि हम सब कुछ जानते हैं, हम एक तिनका हैं, हम एक कण के समान हैं, हम सब कुछ नहीं जानते, हम ऐसा नहीं हम सब कुछ जानते। आप सजेस्ट करें, हमें बताएं, हम और सुधार वीडियो में कैसे कर सकें, आप लोगों तक जानकारी कैसे दे पाएँ और अच्छे से आवाज़ पहुंच रही कि नहीं पहुंच रही, आप कमेंट करके बताएं आपको कैसा लगा, ये भी बताएं। देखिए सेम प्रोसेस में हमने फिर से कट कर लिया, अब फिर से उसके माउथ को ओपन करना है हमें, फिर पंच करना है ना। तो आप लोग हमें ये बताते रहें कि वीडियो हमारी कैसी लग रही है, हमारी यूट्यूब चैनल पे बहुत सारी वीडियो पड़ चुकी हैं, हमें कंटेंट क्या लाना चाहिए, हमें और वीडियो में सुधार क्या करने चाहिए कि और वीडियो अच्छी से आप लोगों तक पहुँचे। तो आप लोग हमें कमेंट करके जब तक नहीं बताएंगे तब तक हम अपने को ये नहीं समझ पाएंगे कि हम सही दिशा में हैं, सही बात कर रहे हैं या नहीं। तो आप लोग कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं हमारी वीडियो आपको कैसी लगती है, अच्छी लगती है कि कुछ उसमें सुधार करने की आवश्यकता है या आवाज़ में प्रॉब्लम है, तो भाई कुछ न कुछ तो बताओ। ये देखिए हमने पंच किया, सेम प्रोसेस फाइनल की तरफ हम बढ़ रहे हैं, लगभग लगभग हम फाइनल हो चुके हैं। तो आप लोग हमें ज़रूर कमेंट करके बताइएगा पूरी वीडियो कैसी लगी। इसके पहले बहुत सारी वीडियो पड़ी हुई है आँखों से संबंधित जानकारी के लिए, बच्चों से संबंधित जानकारी के लिए,
आंखों में समस्या है तो क्या करें, पावर रोकने के चांसेस कुछ हैं तो बताएं, ये सब वीडियो पड़ी हुई है। तो आप लोग हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगती है। ये हमारा फ्रेमलेस जो कि एक फाइनल प्रोसेस पे है कि अब ये कंप्लीट हो चुका है प्रॉपर वे में, तो आप लोग का अब जल्दी जल्दी शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को हमारे, सपोर्ट करें। वैसे आप लोगों ने बहुत प्यार दिया, बहुत आशीर्वाद दिया और आगे भी देते रहें। हमें कमेंट करके बताएं क्या चीज़ें अच्छी नहीं लग रही हैं, सबसे ज़्यादा ज़रूरी हमारी कुछ निगेटिव चीज़ें अगर हों तो हमें ज़रूर बताएं ताकि हम आगे उसका सुधार कर सकें। तो ये देखिए प्रॉपर वे में हमने बैलेंस को इसको बना दिया, एकदम बैलेंस बन चुका है, वीडियो एकदम फाइनल की तरफ है, रिमलेस चश्मा आपका कंप्लीट हो चुका है। बहुत दोस्त कह रहे थे रिमलेस का एक चश्मा दिखाएं, तो हम इसका कटिंग भी दिखाएंगे अभी, इसका ड्रिल भी दिखाएंगे, नए वीडियो में लेके आएंगे। अभी हमने इसको प्रॉपर वे में आपको रिमलेस के बारे में बताया। अगर आप लोग हमें सजेस्ट करके बता पाएंगे कि अगली वीडियो में आपको ऐसे रखना है तो आप लोग ज़रूर बताएँ। दोस्तों अब हम आपसे लेते हैं विदा, आप सभी को सादर प्रणाम, नमस्कार, अभिनंदन, स्वागत, थैंक यू, आभार, शुक्रिया सपोर्ट के लिए। आगे करते रहें, इसको इतना ज़्यादा शेयर कर दें, इतना ज़्यादा शेयर कर दें कि ये पूरे अपने इंडिया में टहलने लगे, आउट ऑफ कंट्री टहलने लगे, देश विदेश में चला जाए वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, ऑल ऑफ यू, बेस्ट ऑफ लक। आप सभी का आशीर्वाद ऐसे बना रहे, प्यार सपोर्ट ऐसे बना रहे। आप ज़रूर हमें बताएँ कमेंट करके, लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, शेयर भी करते रहें। तो दोस्तों ये हमने बैलेंस मेंटेन किया, अब आप लोगों को